न्यूजीलैंड जाण वालियां दे लई खुशखबरी है। न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लई अपने बॉर्डर खोल दिते ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने बुधवार नूं कहा कि न्यूजीलैंड की सरकार आस्ट्रेलियन लोकां अते अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लई अपने बॉर्डर खोलण जा रही है। सरकार आस्ट्रेलियन स्कूलों दीआं छुट्टियां लई समय सिर सैलानियों लई सरहद खोलण की तरीक अगे लिया रही है, जिस नाल कोविड-19 तो आर्थिक रिकवरी नूं तेज करन विच मदद मिलेगी। अर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दस्या कि रात 11:59 तो स्थानक समय अनुसार 12 अप्रैल नूं आस्ट्रेलियाई लोक न्यूजीलैंड दे एकांतवास मुक्त यात्रा करन दे योग होणगे, अते फिर 2.5 हफ्तियां बाद स्थानक समय अनुसार रात 11:59 तो 1 मई नूं वीजा छोट वाले देश जिवें कि ब्रिटेन, संयुक्त राज, जापान, जर्मनी, दक्षिणी कोरिया ते सिंगापुर दे टीकाकरण वाले यात्री अते वैध विजिटर वीजा वाले लोग यात्रा कर सकणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी आस्ट्रेलियन स्कूलों दीआं छुट्टियां लई समय सिर मुड़ खोलण नाल थोड़े समय विच न्यूजीलैंड दी आर्थिक रिकवरी विच मदद मिलेगी अते इह सर्दियां दे सकी सीजन लई चंगी खबर है। अंकड़े दिखाते हैं कि ट्रांस तापमान यात्रियों ने इतिहासक तौर पर न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय आमद का 40% हिस्सा बनाया है। हर साल लगभग 1.5 मिलियन आस्ट्रेलियन आते हैं।